हिप ज्वाइंट जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि हिप ज्वाइंट इज ए वेट बियरिंग ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट बेसिकली हमारे पास दो हिप ज्वाइंट है, लेफ्ट एंड राइट। होता क्या है कि हमने शुरू में बताया था कि ये जो है वेट बियर किस किस का करता है, एच ए टी का। एच ए टी का मतलब हो गया हेड आर्म एंड ट्रंक। होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग बाइलैटरल स्टांस रहते हैं, जब दोनों पैर पे खड़ा रहते हैं, पोस्टरल माने एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन में बाइलैटरल स्टांस इसको बोलते हैं, जब दोनों पैर पे खड़ा रहते हैं इसको बोलते हैं बाइलैटरल स्टांस। तो बाइलैटरल स्टांस में जब रहते हैं तो दोनों हिप ज्वाइंट पर इक्वल वेट जाता है, किसका, एच ए टी का। अब हमको निकालने आना चाहिए कि एच ए टी का वेट कितना होता है। एच ए टी का वेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी का वेट जो होता है अप्रोक्सीमेट पाउंड एक हिप ज्वाइंट पर और 60 पाउंड दूसरे हिप ज्वाइंट, माने आपके बॉडी का माने 60 पाउंड करीब करीब एक ज्वाइंट पर दूसरे पर जब हम इस तरीके से खड़ा रहते हैं तब। एक बात तो तुम लोगों को क्लियर कर दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब दूसरा कंडीशन में क्या होगा बताते हैं। जब भी कोई आदमी चलने लगेगा तो एक पैर माने यूनिलैटरल स्टांस जब हो जाएगा, ये कंडीशन में क्या होगा, यही कंडीशन आपको समझना है जो कि मैकेनिक्स कहता है, बायो मैकेनिक्स इसी में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो जैसे ही आदमी या कोई भी बंदा एक पैर चलने की तैयारी करेगा तो एक पैर यूनिलैटरल स्टांस में आ जाता है। ये देखो बहुत पिकुलियर चीज है, और इसको अगर समझ गए तो हिप की बायो मैकेनिक्स तो समझ गए, नहीं तो दिक्कत करेगा आदमी। तो देखो जैसे ही आदमी ये पैर उठाना चाहता है तो क्या होता है, अब क्या हुआ कि ये जैसे ही उठा तो इस पे वेट अब कितना चला गया, देखो एच ए टी का वेट था 120 पाउंड, इसका भी अब जुड़ जाएगा ना इसमें, तो अब इसका कितना हो गया बताओ, भाई पहले था 180 पाउंड में से तो 60 पाउंड कट गया था, तो 60 पाउंड में 30 पाउंड इस पैर का वजन था, 30 पाउंड इस पाउंड का वजन था, तो अब 120 इसका एच ए टी का, और इसको जोड़ोगे तो कितना है 30, तो 30 प्लस 120 कितना होगा, हाँ 150 पाउंड हो गया इसका वेट। इसका मतलब जैसे ही कोई आदमी चलने की तैयारी करेगा तो एक पैर पर पहले था 7 पाउंड, अब हो गया 180 पाउंड। एक बात की बात समझ लो, तो दो तरह का वेट पड़ता है एक ज्वाइंट पर। एक होता है बॉडी वेट डायरेक्टली, जो कि हम अभी निकाले, जब हम बाइलैटरल स्टांस में है तो 60 पाउंड 60 पाउंड। दूसरा कंडीशन में जैसे ही हम छोड़े खड़ा हुए तो 150 पाउंड चला गया, ये वाला वेट कौन सा वेट है, बॉडी का वेट। अब दूसरा बात सुनो क्या होता है, वही है बायोमैकेनिक्स जो दूसरा चीज समझा रहा हूं। जो होता क्या है कि जैसे ही हम यूनिलैटरल स्टांस में आते हैं तो हमारा बॉडी जो है एक पैर पर जब खड़ा होता है तो कहता है इसको बैलेंस रखने के लिए हमारा बायोमैकेनिकल वेट लगता है उसको। वो बायोमैकेनिकल वेट क्या है जो समझो, होता क्या है कि जब हम खड़े होते हैं एक पैर पर तो हमारा इधर से हिप एब्डक्टर मसल काम करती है, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और दूसरे का इधर का जो है बैलेंस बनाने के लिए इधर का वेट चूंकि ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए इसको हमारा ये कर रहा है। तो होता क्या है कि यहां पर एक लीवर बनता है, वो लीवर को समझाता हूं कैसे बन रहा है। ये लीवर जो है एक है यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो एक्सिस है, वो ज्वाइंट क्या है एक ज्वाइंट एक एक्सिस है, और इधर से क्या हो रहा है कि जैसे ही हमको एक पैर पे खड़ा हो गए हैं तो जो हमारा बॉडी का वेट है तो जो सीओजी है, जैसे क्या होता है इसमें कि इधर को एक वेट लग रहा है और एक वेट इधर को लग रहा है, तो इधर का वेट हम निकालते हैं पहले कितना हो रहा है, तो इधर का वेट लग रहा है जो 150 पाउंड नीचे की ओर जा रहा है, और डिस्टेंस क्या होता है जो बताते हैं, तो जो सेंटर होता है सेंटर मैंने इसका जो सेंटर है हिप ज्वाइंट का और इस हिप ज्वाइंट का दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 8 इंच, कितना 8 इंच। तो जब हम ऐसे खड़ा हो गए हैं तो इसके बीचों बीच से जा रही है, मैंने 4 इंच ये डिस्टेंस पर है जो हमारा सीओजी जा रहा है, तो 4 इंच इधर का डिस्टेंस और दूसरा हो गया इधर का वेट कितना हो गया 150 पाउंड, तो 150 पाउंड गुने 4 कितना हो गया 600 पाउंड, तो 600 पाउंड का टॉर्क इधर से लग रहा है यहां से ऐसे, नहीं तो वो तभी तो आदमी तो गिर जाएगा इधर को, तो इसी को बचाने के लिए क्या करता है इधर से
ये जो ग्लूटियस मीडियस मसल है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक दूसरा प्रेशर पड़ता है ज्वाइंट पर, उसको बोलते हैं बायो मैकेनिकल प्रेशर एट हिप ज्वाइंट। तो बायो मैकेनिकल प्रेशर एट हिप ज्वाइंट पड़ा, वो निकालना है कितना पड़ा। वो कैसे निकालते हैं कि हम जो करते हैं जो इधर के डिस्टेंस जो है ना, जो इधर हिप ज्वाइंट है और उससे ग्लूटियस मीडियस की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 2 इंच, ठीक है ना। तो 2 इंच आप गुने इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन किया जो, तो कॉन्ट्रैक्शन किया कितना ये तो हमें पता नहीं है, वही वेट निकल के आएगा अभी, तो ये हमें पता नहीं। तो उसको मान लेता है एक्स, ठीक है ना। तो एक्स गुने टू कितना हो गया, 2x। तो 2x इजकल टू कितना लगे इधर 600। इधर से देखो, इधर से 600 जो टॉर्क लगा इधर से भी बराबर होना चाहिए था। अगर मान लिया जाए कि हमारा ऐसे जब एक पैर पे खड़ा हुए तो इधर अगर 2x में ज्यादा वो एक मस्त ग्लूटियस मीडियस ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आदमी इधर गिर जाएगा, और अगर बाई दबे ग्लूटियस मीडियस फोर्स नहीं लगा पा रहा 600 टॉर्क के बराबर तो ये आदमी इधर गिरेगा। तो इसीलिए बैलेंस रखने के लिए इसको टॉर्क लगता है, यहां नहीं समझ बात को। और वही जो ये एक्सेस रहता है वो फलक्रम होता है, और इधर का टॉर्क। तो 600 इज इक्वल टू 2x लिख रहा हूं मैं अभी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। आप समझ गया बात को, तो 300 प्लस 300 प्लस तक लिखे भाई, 2x इज इक्वल टू 600 हो गया ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया। और 300 इससे आ गया, मैंने 300 क्या आया, बेट आ रहा है यहाँ पर, कौन सा बेट, यही 300x निकल के आया। मैंने जो ग्लूटियस मीडियस जो प्रेशर लगा रहा था वो 300 पाउंड के हिसाब से बेट लगा रहा था, नहीं तो वो आदमी इधर गिर जाता, और 300 पाउंड से ज्यादा लगा देगा तो इधर गिर जाएगा। तो एक तो वो जो प्रेशर लगाया ग्लूटियस मीडियस में वो प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, वो प्रेशर तो अल्टीमेटली हिप ज्वाइंट पर ही पड़ रहा है ना, क्योंकि इंसर्शन ग्लूटियस मीडियस का यहाँ ओरिजिन यहाँ, तो ये जो दबाया है वो जो दबाया तो ये तो कंप्रेसिव फोर्स पड़ा ना इस पर, नहीं समझ बात को। तो 300 इसके कारण पड़ा, और जब हम ऐसे किए थे तो बॉडी का वेट कितना था 150, तो टोटल वेट कितना हो गया, उसको भी इसको जोड़ोगे तो 450 पाउंड। तो यही बायोमैकेनिक्स की खासियत है कि जब हम ऐसे खड़ा रहते हैं तो 60 पाउंड, और जैसे ही आप खड़ा के होकर चलने के प्रयास करते हैं तो कितना गुना बढ़ गया वेट, देखो करीब करीब 60 से कितना बढ़ गया, 6×36 8×48 मैंने करीब 8 गुना वेट बढ़ गया, नहीं समझ बात को। तो जो 8 गुना वेट बढ़ा, तो जैसे मान लिया कोई आदमी अगर ऐसे खड़ा हो तो बहुत आसान है, लेकिन सोचो चलने में उसको कितना ट्रबल होगा, अगर थोड़ी सी भी पैथोलॉजी रहेगी यहाँ पर तो 8 गुना वेट बढ़ जाता है, तो दर्द नहीं होता, समझो इस बात को। तो अब इसको हमको नलीफाई करना है, इसी को हमको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका है, ठीक करने के 4 तरीका है, वो भी बायोमैकेनिक्स नहीं ठीक होगा बिना कोई फिजियोथेरेपी मशीन लगाए। देखो कैसे, जो नंबर 1 में क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए कि वो आदमी को हम बोले कि अपने एक पैर पर चलने की तैयारी करेगा, तो एक पैर पर चलने की तैयारी करेगा तो हम सीधा ना रह करके हम थोड़ा सा इधर को और झुक जाए, तो जैसे इधर झुकेंगे तो इतना मान लो कि जो ये जो लाइन ऑफ मोबिलिटी 4 इंच पर आ रहा था इधर, वो खिसक करके इधर आएगा लाइन ऑफ मोबिलिटी, तो हम अब इधर का टॉर्क पहले निकालो कितना हो गया, मैंने 150 पाउंड प्लस ये इतना करना है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा करना है, मान लो कि 1 इंच के बराबर आने दिए है, मैंने 3 इंच इधर खिसका दिए, इतना झुकना है, तो इतना झुकना, तो 1 इंच, तो 150 इज इक्वल टू उधर से कितना था 2x लिख देता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। सुनो तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 75, हुआ कि नहीं, समझ में आया तुम लोगों को ना। तो जब 75 होगा, बॉडी का वेट कितना था, ऐसे भी तो झुका है तो वही बॉडी वेट रहेगा, तो कितना होगा 150 प्लस 75 कितना हो गया 225। तो देखो खाली हम बायोमैकेनिकली ऐसे झुक के चलते हैं, अगर जब भी चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, इसीलिए देखोगे कि जो ओल्ड एज लेडीज लोग होते हैं जब हिप में दर्द होता है तो ऐसे कर करके चलती हैं, वो अब समझ दो किस लिए चलती हैं, जो वही दर्द को बचाने के लिए चलते हैं, समझे कि नहीं बात को। देखो बायोमैकेनिकल कितना बड़ा खेल है कि नहीं।
ठीक है ना। तो एक बात हो गया कि आप जब भी कोई पेशेंट इस तरह का आए तो सबसे पहले तो यही बोलिए कि थोड़ा सा जिस तरफ को आपको दर्द है उस तरफ से थोड़ा टिल्ट कर करके चलिए, अपने आप वेट कम जाएगा, समझे कि नहीं बात को। उस पर वेट कमा मैंने, देखो कितना कम गया, ये हो गया 225, पहले था 450, तो सीधे आधा हो गया, तो सीधे आधा हो गया तो वेट नहीं कम है, उसको प्रेशर कम नहीं पड़ेगा भाई। पहले 450 पाउंड का वेट पड़ रहा था उस हिप जॉइंट पर, अब पड़ रहा 225 पाउंड का, तो सीधे आधा नहीं हो गया, बोलो। दूसरा प्रिंसिपल इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जी आप अपना वेट जो है ना थोड़ा कम कर लीजिए, तो थोड़ा कम करने का मतलब ऐसा नहीं कि आदमी खाली बोल दिए कि मैं 10 केजी वेट कम गया तो वजन कम जाएगा 10 केजी, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है जो आप देखिए बायोमैकेनिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 60 पाउंड का आदमी था तो उसमें कितना वेट बढ़ा था, इधर 8 गुना वेट बढ़ गया, 8 गुना तो वेट बढ़ा था ना। तो देखिए हम अगर उसको बोलेंगे कि जी आप अपना वेट को जैसे मान लीजिए कि 60 केजी से 50 केजी कर दीजिए, तो 10 केजी वेट कम करने के लिए कहा ना भाई, तो 10 केजी जब वेट कम करने के लिए कहेंगे तो कितना कम जाएगा, बोलो, करीब करीब उसके 3 गुना, तो 3 गुना कमा तो कितना कम गया, 30 केजी, 30 पाउंड कम जाएगा, तो बहुत बहुत मेजर रूप से वेट घटता है। तो यही कहने का मतलब है कि आपको बायोमैकेनिकली समझना पड़ेगा। दो प्रिंसिपल और है, वो है एक में केन को कॉन्ट्रा लैटरल लेना, दूसरे को इप्सी लैटरल, मैंने केन को इस तरफ लेकर के चलना है और केन को इस साइड अपोजिट साइड लेकर चलना है, तो भी कमता है। इसका हम अगले दिन बताएंगे। इतना समझ गया कि